एक ऐसी दरगाह जो समंदर के बीचों बीच है, जो कभी नहीं डूबती। जी हाँ, एक बार को मुंबई डूब सकता है लेकिन ये दरगाह नहीं। तो आज हम इस दरगाह की आपको विजिट करवाएंगे। YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज हम जाने वाले हैं हाजी अली दरगाह और आपको हाजी अली दरगाह की विजिट कराएंगे और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि इस दरगाह का कब निर्माण हुआ। तो बिना देरी किए लेके चलते हैं हम। तो अभी गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। ये रोड हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो अंडरग्राउंड रास्ते थे, हम इस रोड को क्रॉस करते हैं और आगे चल के हमें कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये एक छोटी सी मार्केट लगती है इसके अंदर। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे का दिखाते हैं आपको। तो गाइज अभी मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का व्यू हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइज मैं अभी आपको बताता हूँ, हाजी अली टेस्ट के अनुसार हाजी अली उज़्बेकिस्तान के बुखारा प्रांत से सारी दुनिया का भ्रमण करते हुए भारत पहुँचे थे। और गाइज हाजी अली दरगाह का निर्माण कब हुआ वो मैं आपको आगे बताऊँगा। गाइज मुस्लिम तो मुस्लिम, यहाँ पर अन मुस्लिम भी आते हैं, सबका बिलीव है और हमें सबके बिलीव की इज्जत करनी चाहिए। तो फाइनली गाइज हम पहुँच गए हैं दरगाह के गेट पर और अभी हम अंदर जाएंगे, आपको विजिट करवाएंगे अंदर की और बताएंगे। गाइज इसके अंदर एक मस्जिद है, उसको भी हम दिखाएंगे आपको। तो अभी फाइनली गाइज हम पहुँच गए हैं अंदर, आप देख सकते हैं अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइज। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको इधर। तो गाइज अभी हम हाजी अली दरगाह की आपको विजिट कराने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो हम लेके चलते हैं आपको इधर गाइज। तो अभी आप देख सकते हैं पीर हाजी अली यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो ये दरगाह के अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, क्या खूब है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ का वाली हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं कुछ अंदर का इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो अभी देख सकते हैं ये फुहारा बहुत ही अच्छा लग रहा है और दरगाह पर काम चल रहा है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गेस्ट हाउस है जो कि लोग यहाँ पर आते हैं तो आराम करने के लिए बनवाया गया है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मस्जिद की तरफ, मस्जिद की विजिट करवाता हूँ। तो गाइज आप इधर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बिल्डिंगें कितनी ऊँची ऊँची हैं। और गाइज ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मस्जिद है, ये मस्जिद इसके अंदर की भी आपको विजिट करवाऊंगा। अभी बाहर से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये मस्जिद। तो गाइज अभी फाइनली हम मस्जिद के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं मस्जिद के अंदर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर टोटल संगमरमर लगा हुआ है, पत्थर जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो अभी हम मस्जिद के बाहर चलते हैं दरगाह पर। तो अभी गाइज हम जा रहे हैं दरगाह के बैक साइड, पीछे की साइड, पीछे का आपको व्यू दिखाएंगे और गाइज साथ ही साथ आपको हाजी अली दरगाह के निर्माण के बारे में भी बताएंगे कि दरगाह का कब निर्माण हुआ था। तो गाइज अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप गाइज देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइज हाजी अली की दरगाह का इतिहास, इस दरगाह की स्थापना सन 1631 ईस्वी में करवाई गई थी। इसका निर्माण हाजी उस्मान रंजी कार, जो तीर्थी यात्रियों को मक्का ले जाने वाले जहाज के मालिक थे, उन्होंने करवाया था। बताया जाता है कि हाजी अली बहुत ही धनी थे, जिन्होंने मक्का यात्रा से पहले ही सारा धन त्याग कर दिया था और मक्का यात्रा के दौरान ही उनका विशाल हो गया था। पीर शाह हाजी अली की अंतिम इच्छा ये थी कि जब मैं विशाल कर जाऊं तो मुझको पानी में बहा देना। तो एक बड़े से ताबूत में रखकर पानी में मिस्र से छोड़ दिया और 4 महीने के बाद यहाँ मुंबई में इस टापू पर आकर वो रुक गया ताबूत। तो यहाँ पर इस वजह से ये इस दरगाह की स्थापना की गई थी। और गाइज यहाँ पर मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम भी आते हैं और सबका बिलीव है, हमें सबके बिलीव की इज्जत करनी चाहिए। गाइज बताते हैं कि यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। गाइज अभी मैं आपको इधर का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ गाइज। तो गाइज ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कूल एकदम, बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है।
तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइस। आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।